भंडारा गोंदिया जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर साकोली और देवरी तालुका में फ्लाईओवर का काम चल रहा है और इन स्थानों पर पुलों का निर्माण करते समय सड़क सुरक्षा की उपेक्षा के कारण साकोली तालुका की एक सामाजिक कार्यकर्ता सुचिता आगाशे ने शिकायत दर्ज कराई है। साकोली पुलिस थाने में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ शिकायत कर निर्माण रोकने की मांग की। अग्रवाल कंपनी भंडारा गोंदिया जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर पुलों का निर्माण कर रही है और सड़क सुरक्षा की उपेक्षा के कारण 8 लोगों की जान चली गई है। दुर्घटनाएं रोजाना होती है क्योंकि जिस क्षेत्र में ये काम किया जा रहा है वहां कोई नोटिस बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं है। चूंकि रात में सड़क के किनारे की खुदाई दिखाई नहीं दे रही थी, चार पहिया या दो पहिया वाहन सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। यह सवाल उठ रहा था कि कौन जिम्मेदार है। सड़क हादसे के मामले में साकोली और दुगीपार पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि संबंधित कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर महिलाओं ने सड़कों पर उतरने और विरोध करने की चेतावनी दी है। सबसे पहले तो NHAI को ये पता होना चाहिए कि हम किस महामार्ग पे काम कर रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट महामार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 6 और मुंबई हावड़ा मार्ग है ये, और इस मार्ग पे काम करते वक्त इसका प्रिकॉशन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि NHAI पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। आप देखोगे तो जब काम शुरू होता है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ना देवरी रास्ते पे ना ही भंडारा रास्ते पे, दोनों रास्ते पे कहीं पे भी बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि यहाँ पे काम शुरू है, या कहीं पे आप देखोगे मेरे साइड में तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रिकॉशन नहीं है, ना यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स है, ना यहाँ पे रात के लिए लाइट की व्यवस्था की गई है। और इसमें इसका पूरा पैसा बचा के ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने की संभावना दिख रही है, इस टाइप से इनका काम है। हम यही चाहते हैं कि ये जो काम है जिन ठेकेदारों को दिया हुआ है वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है अपना काम करने में, इसीलिए ये काम किसी इसका रीटेंडरिंग करवा के किसी और ठेकेदार को ये काम दिया जाए, ये हमारी मांगनी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम महिलाएं अपनी संगठनाओं को संगठनाओं के साथ यहाँ पे पूरा जमावड़ा करके ये काम बंद करने की तैयारी में है। हम गडकरी जी से मिल रहे हैं और जल्दी ही हम उनको बोलेंगे कि इस काम के बारे में कुछ निर्णय ले, और हमें पूरा विश्वास है गडकरी जी प्रॉपर नागपुर के हैं और वो हमारी मांगनी जो हमने जो अपनी जो ये की है मांगनी की है तो उसके तरफ वो पूरी तरीके से ध्यान देंगे और सही है जो सही निर्णय है वो लेंगे। साकोली पोल्युशन हद्दीमध्ये नॅशनल हायवे 53 जो 4 लेन आहे, परंतु 4 लेन संपल्यानंतर मोहघाटा जो जंगल आहे तो 3.5 किलोमीटरचा पॅच आहे, तो सिंगल रस्ता आहे, तो सिंगल रस्ता आहे आणि काही ठिकाणी तो रस्ता फुटलेला आहे, म्हणजे खड्डे पडलेले आहेत, त्यामुळं टू व्हीलरवाले असोत किंवा 4 व्हीलरवाले खड्डा चुकवण्याच्या नादात लेफ्ट राईट गाडी वळवतात आणि त्यामुळं ॲक्सिडेंटचे प्रमाण घडत आहेत। डिसेंबरपासून आजपर्यंत या ठिकाणी 4 फॅटल म्हणजे 4 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे, 3 लोकांना गंभीर जखमा झालेल्या आहेत आणि 4 लोकांचे किरकोळ अपघात झालेले आहेत, एवढी नोंद आमच्याकडे आहे। जब सड़क और पुल का निर्माण कार्य चल रहा था तो कई लोगों के हाथ पैर कट गए और कई वाहन पेड़ काटते समय सड़क के किनारे गिरने से कुचल गए। महिलाओं की मांग है कि अगर अग्रवाल कंपनी सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है तो कंपनी निर्माण रोक देगी।